तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए फर्स्ट T20 के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले तो आप इनके टीम लिस्ट को गौर से देख लीजिए। सब के सब भागे हुए कैदी लगते हैं, जिनके बैट के नीचे आप बॉल तो क्या कोयला भी रख देंगे तो ग्राउंड के पार कर देंगे ये लोग। सही पकड़े हैं। पहले बैटिंग करने आती है साउथ अफ्रीकी टीम और बोर्ड पे लगाती है 160 रन, जो वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम के लिए एक मामूली सा टोटल था। फिर बैटिंग करने आते हैं एविन लुइस, जिन्होंने तो साउथ अफ्रीकी बोलर्स का जैसे मानो आसी मामला ही ले लिया हो। क्या मार मारते हैं भाई साहब, ऐसा लग रहा था गेल चचा से अभी सीख के आए हैं। लेकिन जिस बैट्समैन का मुझे बेसब्री से इंतजार था वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े थे, मिस्टर आंड्रे सिंह फ्लिचर चौधरी। ऐसा गजब का बैटिंग स्टाइल और किसी भी बैट्समैन के पास नहीं है। सच बताऊं तो मुझे लग रहा था कि काश साउथ अफ्रीकी टीम 400 रन बनाती, ताकि सारा दिन फ्लिचर चौधरी का बैटिंग देखने मिलता। पूरा मैच एक तरफ और फ्लिचर चौधरी का बैटिंग एक तरफ। फिर थोड़ी देर के बाद उतरते हैं गेल चचा। ऐसा लग रहा था कि ये लोग आपस में ही मैच खेल रहे हैं, जिसमें सिर्फ छक्का मारने का रूल था। फिर थोड़ी देर के बाद आते हैं रसल। जिसने पहले 90 मीटर का छक्का मारा और फिर उसके बाद 95 मीटर का छक्का मारा। फिर उसके बाद होना क्या था, वेस्ट इंडीज़ ग्राउंड पे ही गाड़ी चलाने लगे। ये देखो, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं हूँ शुभम, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चाची हेडशॉट मार के दिखाना। बाय दोस्तों।